भारत में सबसे महंगी कार बेंटले मॉल्सन सेंटेनरी एडिशन है। इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है। यह दुनिया भर में केवल 100 इकाइयों में निर्मित है और भारत में इसकी केवल एक इकाई है। बेंटले मॉल्सन सेंटेनरी एडिशन एक लग्जरी सेडान है जो शक्ति और आराम का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करती है। इसमें एक 6.75 लीटर टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन है जो 512 हॉर्स पावर और 850 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार महज 4.9 सेकंड में पकड़ सकती है। वहीं इस कार में कई उन्नत सुविधाएं भी हैं, जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक 12.3 इंच टच स्क्रीन एनफोर्समेंट सिस्टम और एक पावर एडजस्टेबल सीट शामिल है। यह कार एक उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनी है और इसमें एक सुरुचिपूर्ण डिज़ाइन भी है। भारत में सबसे महंगी कार होने के अलावा बेंटले एक दुर्लभ कार भी है। दुनिया भर में केवल इसके 100 इकाइयों में निर्माण होता है और यह कार एक तरह से संग्रहणीय वस्तु भी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस सुपर लग्जरी कार के मालिक भारत में कौन है। तो भारत में यह कार अदानी या अंबानी ओन नहीं करते, बल्कि यह कार VS रेड्डी ओन करते हैं, जो कि एक प्रमुख भारतीय न्यूट्रोलॉजिस्ट कंपनी ब्रिटिश बायोलॉजी के संस्थापक और प्रबंधक निर्देशक भी है। देश में न्यूट्रोलॉजिस्टिकल और विकास प्रचार में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए उन्हें भारत के प्रोटीन मैन के रूप में भी जाना जाता है। रेड्डी ने 1992 में मात्र 10,000 रुपये की पूंजी से ब्रिटिश बायोलॉजिकल की शुरुआत की। तब से कंपनी 20 से अधिक देशों में उपस्थिति के साथ एक बहुराष्ट्रीय निगम बन गई है। ब्रिटिश बायोलॉजिकल प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन, खनिज और हर्बल उपचार सहित न्यूट्रोलॉजिकल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है। रेड्डी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए न्यूट्रोलॉजिकल के उपयोग से प्रबल समर्थक है। उन्होंने इस विषय पर कई सम्मेलनों और सेमिनारों में बात की है और उन्हें न्यूट्रोलॉजिकल्स के लाभों पर कई किताबें भी लिखी हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।